आफ्टर द डिस्कशन ऑन प्रोडक्ट रोड मैप लेट मी शो यू वन रियल टाइम रोड मैप और आ, ये ये रोड मैप मैंने एक्सेल में क्रिएट की है आप एक्सेल में भी क्रिएट कर सकते हैं आ, और उसके अलावा भी वर्ड में भी बन सकता है और बेतहाशा टूल्स भी मौजूद हैं लेकिन जो प्रोडक्ट रोड मैप है ये टूल डिपेंडेंट नहीं होता यानी जो आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो एसेंस है कैसे बना रहे हैं वर्ड में बना रहे हैं कलर ब्लू रख दिए है, हैडिंग ब्लैक कर दी है वो एक सेकेंडरी चीज़ है द कॉन्टेंट इज ऑफ एसेंस सो लेट इस जस्ट रिव्यू वन प्रोडक्ट रोड मैप अब ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोड मैप जो है उसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता यानी वो टाइम जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कंपनी ने अपने हिसाब से प्रोडक्ट रोड मैप बनाया होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रोड मैप है ये क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर एंड सो ऑन ये बेसिकली बता रहे है कि जी क्वार्टर वन के अंदर हम कुछ फीचर ऑफर करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल हम कुछ ईमेल मेल के साथ कहीं कोई फीचर है ईमेल मेल कन्फर्मेशन का उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं हम कुछ एक क्लाइंट है उसने कितनी शॉपिंग की है उसके पॉइंट्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं लॉयल्टी वाली जो चीज़ है लॉयल्टी कार्ड वाली चीज़ उसके बाद हम एंड्रॉयड की ऐप का वर्जन वन क्वार्टर टू में लॉन्च करना चाह रहे हैं फिर आईफोन का हम वर्जन वन लॉन्च करना चाह रहे हैं क्वार्टर टू में हम आईफोन के अंदर यू को रिफ्रेश करना चाह रहे हैं क्वार्टर थ्री के अंदर और हम रियल टाइम स्टेटसिस को अपडेट करना चाह रहे हैं यानी एक साइड पे आपको सारे फीचर्स नजर आ रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपको दो चीजें नजर आ रही हैं एक के कौन से फीचर कौन से क्वार्टर में फॉल कर रहा है यानी क्वार्टर से मुराद होती है तीन महीने एक साल में चार क्वार्टर होते हैं तीन तीन महीनों के तो क्वार्टर वन से मुराद है जनवरी फेबरी मार्च क्वार्टर टू से मुराद है अप्रैल मई जून एंड सो ऑन तो ये एक साल का मैंने एक दमी किस्म का या आप समझिए आपको समझाने के लिए मैंने एक रोड मैप क्रिएट किया है एक तो ये चीज़ है कि आपने ये फीचर्स आपको देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोलेब्रेशन होती है विद द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग टीम एक्चुअली ग्राउंड पे होती है ग्राउंड से मुरादी होती है उनका काम ही ये होता है कि अपने कंपेरिटर्स के के फीचर्स को देखते रहना क्योंकि आपका प्रोडक्ट उस वक्त तक कंपेटेबल नहीं है जब तक आप अपने अपने कंपेरिटर को नहीं देख रहे यानी अगर आपका कंपेरेटर फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉयड को ऑफर कर रहा है यानी अपनी ऐप ऑफर कर रहा है आप नहीं कर रहे तो कुछ हद तक तो लोग यानी जो आपके कस्टमर्स हैं वो यानी जो कस्टमर्स का काउंट है वो डाउन नहीं होगा लेकिन दे विल बी सम टाइम जिसके बाद लोग ऐप यूज करना शुरू कर देंगे एंड देन यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड यानी आपको हर वक्त ऑन योर टोज रहना पड़ता है खास तौर पे टेक वर्ल्ड के अंदर अदरवाइज यू आर गॉन बिजनेस इज गॉन देन तो एक तो ये है कि सारे फीचर्स एक साल के अंदर जो भी हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है कि ओके okay, कितने दिन का काम है यानी एफर्ट कितनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि जी इंटीग्रेट कन्फर्मेशन वाया ई मेल उसके फॉर एग्जांपल 16 मैंडेज का काम है फिर जो पॉइंट ट्रैकर है वो पाँच दिन का काम है नीचे आपको इनका टोटल नजर आ रहा है यानी 16 प्लस जीरो सिक्सटीन क्वार्टर वन के बॉटम पे देखें तो आपको क्वार्टर वन पर यह लिखा हुआ आ रहा है कि जी क्वार्टर वन में जितना भी हमने डेवलपमेंट करनी प्रोडक्ट के ऊपर वो सोलह दिन का काम है क्वार्टर टू में जितना काम होना है वो नौ दिन का काम है क्वार्टर थ्री में जितना काम होना है वो एटीन डेज का काम है एंड सो ऑन इस एग्जाम्पल को आपने कतन मिक्स नहीं करना लेकिन दो स्ट्रीम्स होती हैं एक स्ट्रीम होती है जो आप नई फीचर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यानी प्रोडक्ट रोड मैप और दूसरा ये होता है आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस वेबसाइट की मेंटेनेंस से मुराद मुरादी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके फॉर एग्जांपल एक मिलियन कस्टमर्स हैं तो दुनिया में कोई भी वेबसाइट ना जीरो बग काउंट के साथ नहीं होती इससे मुराद ये है कि विंडोज जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसमें भी हजारों बग्स हैं जो नोन है यानी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बताए हुए हैं कि ये बग एग्जिस्ट करते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि अगर आपके कस्टमर जो रियल टाइम कस्टमर है दैट्स वो मैं शॉपिंग करने गया हूँ और मुझे कन्फर्मेशन की ईमेल नहीं आई ड्यू टू सम रीजन तो मैं तो जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है कंपनी का उसे कॉन्टैक्ट करूंगा तो दे विल बी हु विल बी फिक्सिंग दिस बग तो न्यू फीचर डेवलपमेंट एक चीज है जो मैं आपसे तो डिस्कस कर रहा हूं दूसरा है एफर्ट यानी वो यानी अगर आपकी फॉर एग्जांपल डेवलपर्स की टीम है तो पूरी की पूरी टीम नए प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर रही होगी कुछ ना कुछ जो टीम है वो एग्जिस्टिंग वेबसाइट को भी मैनेज कर रही होगी क्योंकि जो रेवेन्यू है जो कंपनी का जो ब्लड है या ब्रेड एंड बटर है वो तो करंट वेबसाइट से आ रहा है नए फीचर जब बनेंगे मार्केट होंगे रेवेन्यू आएगा ये लॉन्ग टर्म चीज है यानी आप लॉन्ग टर्म चीज के लिए एग्जिस्टिंग जो कस्टमर्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो जो नीचे आपको एफर्ट लिखी हुई नजर आ रही है ना सोलह दिन नौ दिन एटीन डेज ये न्यू फीचर डेवलपमेंट की है ये एग्जिस्टिंग वेबसाइट के मेंटेनेंस नहीं है तो वोट आई एम ट्राइंग टू से थिंग्स गेट मेसी वेन यू डू जब आप रियल लाइफ में जाते हैं ना खासतौर पर टेक वर्ल्ड में जाते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं यानी एकेडमिक लाइफ में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जी आइडियल सिनेरियो देखें मतलब आईटी वर्ल्ड में कम से कम आइडियल सिनेरियो बहुत कम होता है मतलब यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल सोलह लिखा हुआ है हो सकता है जब ये एक्चुअल चीज़ बने तो ये हो सकता है पच्चीस चीज पर निकल जाए जो कि होता है तो हमारा कोशिश ये होती है कि जो हम एस्टिमेट्स कर रहे हैं इसके मोर और लेस इस एफ़र्ट के दरम्यान रहते हुए ही हम डेवलपमेंट कर लें